दोस्त, अगर आपको भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा कैसे आप सही तरीके से शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर सकते हो। वो 100% मैं गारंटी देता हूँ शॉर्ट्स की सेक्शन में ही जाएगा, ना कि दूसरा सेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या गलती करते हो, आप यूट्यूब खोल लेते हो और ऐड वाली बटन पर क्लिक कर देते हो। क्रिएट शॉर्ट वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर देते हो, टाइटल लिख के उसको अपलोड कर देते। ऐसे करने में वीडियो शॉर्ट्स में नहीं जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रीज़न होता है। एक वीडियो पिक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देता हूँ। वहाँ पर टाइटल लिखने के लिए तो ऑप्शन आ गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंटेन करने के लिए ऑप्शन नहीं आया। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही नहीं आएगा तो हम टैग कैसे लगाएंगे? हमको शॉर्ट्स अपलोड करने से पहले टैग लगाना होता है, जो कि होता है शॉर्ट्स शॉर्ट्स हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स। दो या तीन टैग लगाना चाहिए, तब जाके वीडियो शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाएगा। तो हम अगर लगा नहीं पाएंगे तो वीडियो शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाएगा कैसे? आपको ये गलती नहीं करना है। हो सकता है बाद में ऐसे करने से शॉर्ट्स वीडियो अपलोड हो जाए, लेकिन ये यूट्यूब का ग्लिच मान सकते हो, बॉक्स मान सकते हो, लेकिन ऐसे करने से वीडियो शॉर्ट्स में नहीं जाता है अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको बंद कर लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना भाई, सीधा गैलरी के अंदर चले जाना। आप जिस वीडियो अपलोड करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लो। वहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ना, सेंड बटन, सेंड बटन पर क्लिक करो और उसको यूट्यूब पर शेयर करो। देखिए यूट्यूब पर शेयर करो, उससे शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है देखिए। एक तो मेरे टाइटल लिखने के लिए ऑप्शन आ गया, जो कि सब वीडियो में आता है ये। चलिए वहाँ पर नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन मेंटेन करने के लिए मेरे ऑप्शन आ गया, जो कि पहले नहीं आता था। ये मेन चीज़ होता है भाई, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो अपलोड करने से पहले, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर टैग लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वीडियो नहीं जाएगा शॉर्ट सेक्शन में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लेना है और वहाँ पर टैग लगाना है हैशटैग शॉर्ट्स। देखिए मैं हैशटैग शॉर्ट्स लगा देता हूँ, हैशटैग शॉर्ट्स भी लिख लेता हूँ, वो हैशटैग शॉर्ट्स लिख लिया। उसके बाद चाहे तो आप हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स भी लिख सकते हैं, हैशटैग यूट्यूब शॉर्ट्स। ये तीनों टैग लगाना बहुत ज़रूरी है भाई, तब जाके वीडियो शॉर्ट्स में जाएगा। उसके बाद बैक चले आओ, अपना टाइटल मेंटेन करो। मैं लिख लेता हूँ मेरा टाइटल। देखिए भाई, डेमो के लिए मेरे टाइटल भी हो गया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मेंटेन हो गया। उसके बाद आता है अपलोड का टाइम। अपलोड आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले चेक करना है। अपलोड ऐसे ही नहीं करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के नीचे देखिए लिखा है पब्लिक, उस वाली बटन पर क्लिक करना। वहाँ पर एक गलती कर देते हो आप लोग। आप लोग क्या करते हो, जब शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो सेट आज इंस्टेंट टाइमर, इस बटन पर आप क्लिक कर देते हो। ऐसे करने से वीडियो तो टाइमर सेक्शन में जाएगा, सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन ये भी एक ग्लिच है या बग्स है मुझे पता नहीं, लेकिन इस शॉर्ट सेक्शन के अंदर नहीं जाता अगर आप वीडियो को सेट आज इन टाइमर सेट कर देते हो। तो आपको क्या करना, आपको डायरेक्ट पब्लिक कर देना और बैक चले आना, उसके बाद वीडियो को अपलोड कर देना। उसके बाद देखिए, मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा दूंगा वीडियो शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। वहाँ पर थोड़ी देर हम वेट करते हैं। दोस्त, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना यार, चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे यूजफुल ट्रिक लेकर आता हूँ यूट्यूब की रिलेटेड। वहाँ पर देखिए रेडी टू वॉच आ गया, मैं उसको एक बार रिफ्रेश करूँगा, देखेंगे शॉर्ट सेक्शन के अंदर वीडियो जाएगा कि नहीं। तो मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया वीडियो कैसे शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार, हैव ए नाइस डे।